वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम स्पीच देखेंगे ऑन टीचर्स डे हिंदी में, हमारी मातृभाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात। आज 5 सितंबर को हम सभी यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आपके सामने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारतवर्ष में शिक्षक दिवस वर्ष 1962 यानी कि 1962 से मनाया जाता है। इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत विद्वान और अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात की। उनकी बात सुनकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। तब से आज तक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद किया जाता है और सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है और उनका धन्यवाद किया जाता है। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, मगर शिक्षक ही है जो हमें सही गलत के बारे में बताकर हमें एक अच्छा चरित्रवान इंसान बनाता है। शिक्षक ही हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, वो सभी छात्रों के साथ सम्मान व्यवहार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, गरीबी अमीरी जात पात कुछ मायना नहीं रखता, सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। शिक्षक ही हमें सही मार्गदर्शन करते हैं और अपने मार्गदर्शन से ही हमें वह रास्ता बताते हैं जिस पर चलकर हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इसीलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, जो कि हमें शिक्षक ही देते हैं। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए शिक्षा और एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है। शिक्षक उस दीपक के समान है जो अंधेरे मन में ज्ञान का उजाला भर देते हैं। एक शिक्षक अपना पूरा जीवन हमें ज्ञान और सही रास्ता दिखाने में व्यतीत करते हैं। शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही हम ऊंची ऊंची सरकारी जॉब प्राप्त करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई उद्योगपति, कोई नेता, तो कोई बड़े बड़े जहाज चलाते हैं। शिक्षक दिवस के दिन स्कूल कॉलेजों में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, प्रतियोगिताएं होती हैं और पुरस्कार वितरित भी किए जाते हैं। इस दिन हम सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को उनके महान कार्यों के लिए आभार व्यक्त करते हैं और अंत में कालिदास जी की पंक्ति कहे बिना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद यो बताए। कबीर दास जी ने कहा है कि शिक्षक और भगवान दोनों साथ में खड़े हों तो शिक्षक अर्थात गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि एक गुरु ही हमें बताते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब अंत में एक बार आप सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे कुछ कोटेशंस बोलना चाहूँगी।
मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जोड़ने का महत्व बताया। शिक्षक वह मोमबत्ती है जो खुद जलकर सबको जला देता है। समाज को वह जागरूक बनाता है, माँ बाप को विश्वास दिलाता है, बिना कोई रिश्ते के अपना बनाता है। शिक्षक ही जीवन जीना सिखाता है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी आपके सामने एक एग्जांपल कि आप कैसे शिक्षक दिवस पे स्पीच दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया, स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स डे के दिन भाषण दिए जाते हैं। अगर आपको भी कहीं पे भाषण देना है तो ये एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। साथ में मैंने कोटेशंस प्रोवाइड की हैं, आप इनको भी बोल सकते हैं, साथ में अपना भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे।